बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बीबीसी 11 हेडलाइंस न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सबा मुनीर। आपको अपडेट करें कि हरिपुर के साबिक नाजिम इमरान खान अलेजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हरिपुर सेंट्रल जेल की इंतजामिया का ठेकेदारों के जरिए वापटा की सरकारी अराजी पर दुकानें और मार्केट बनाने का अमल जारी है। उन्होंने कहा है कि जेल पुलिस में रिश्वत लेकर भर्ती करने वालों को बेनकाब करेंगे। इस हवाले से उनका वजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। पुलिस का काम है कि इस हवाले से जो वो काम करना चाहते हैं वो करें। मैं तो जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर वो कोई इसके लिए कर रहा है कि मैं इशूज़ से पीछे हट जाऊँ और ये मैं जो मैं काम कर रहा हूँ इससे पीछे आ जाऊँ तो वो बेवकूफ़ है। इससे पहले भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा, थ्रेट्स आती रही है, लेकिन ऐसा मामला पहली बार हुआ है। लेकिन मुझे इससे कोई खौफ नहीं है और मजीद में दो तीन दिन में एक दो TMA के हवाले से कंट्रैक्ट वो लाजमीन को इग्नोर करके इन्होंने जो है वो डायरेक्ट कुछ लोग जो है अपॉइंट किए उस हवाले से भी बात करूँगा। फिर कोई TMA के नाला जात के हवाले से करप्शन हो रही है उस पर भी बात करूँगा। ये मेरा सफ़र जारी और सारी रहेगा और इससे मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो पहले भी इस तरह हुआ है कि जो दुकानें बनी हैं बगैर टेंडर के भी इस तरह दुकानें बनी हैं, और ये जो मैंने सुना है कि पहले भी टेंडर होता है हर साल, जी तो उसका भी मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई हाईलाइट नहीं हुआ। देखिए मेन तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ ये है कि जब कोई दुकान बनती है या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उस वीडियो के साथ कोई कनेक्शन है या वो किसी और जुमरे में? देखिए शाह साहब, आपके इल्म में होगा कि मैं पिछले 6 से 7 साल से मुख्तलिफ इशूज़ पे बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मसाइल पे बात कर रहा हूँ। मेरे ज़्यादा पिछले दिनों एजुकेशन के हवाले से प्रमोशन कैंसिल मैंने की करवाई हैं, इसके अलावा DHQ के हवाले से आपके सामने है, फिर TMA के हवाले से आपके सामने है, फिर CNW के हवाले से आपके सामने है, फिर लैंड माफिया के हवाले से आपके सामने है। चूँकि मेरी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं एक सियासी आदमी हूँ, मैं इशूज़ पर बात करता हूँ, इशूज़ पर आवाज़ उठाता हूँ। ना मैंने कभी किसी की ज़ातियात उछाली है, ना मैंने किसी कभी किसी को जो है वो मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। तो जिसने भी किया है मेरे ख्याल में उसने बेवकूफ़ी की है। अगर उसने डराने के लिए किया है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रात को पुलिस ने जो कार्रवाई की है और जो तफ्तीश हो रही है, मुझे पुलिस पर यकीन है। वो 4 से 5 दिन मौके पर आ गए थे तो उन्होंने जो है वो तफ्तीश जारी की हुई है। मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह इस बंदे को पहुँचेंगे जो भी। इमरान साहब, ये तो फायरिंग हुई थी, हवाई फायरिंग गली के बाहर, आपको नहीं लगता जब तक इंक्वायरी की जाए और अगर इंक्वायरी में वो गिल्टी साबित होते हैं तो उनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाए। मैं DC हरिपुर, मैं उमर अयूब MNA और वफाकी वजीर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी फरमा कर इस पर स्टैंड लें। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये जगह ग्रिज स्टेशन के लिए यही जगह बचती है। अगर आप इसको अपग्रेड करेंगे तो आपके पास कोई जगह नहीं होगी। जब कोई ट्रांसफार्मर यहाँ ख़राब होगा तो आने जाने का गाड़ी का कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ ट्रांसफार्मर बहुत बड़े हैं, उनके लिए बड़े ट्रक चाहिए होते हैं, बड़े ट्रक को रास्ते चाहिए होते हैं, वो रास्ता यहाँ से मुतासर हो रहा है जी।